नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी रोज़ाना इसी टाइम, उसी का आज 14 नंबर पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 6600 क्वेश्चन हैं, तो रोज़ाना इसी टाइम हमारे साथ जुड़ें और इस टेस्ट सीरीज का आनंद लें। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक सेंड करें। चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? जल्दी से बताएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी घटाकर 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 1/4 हो जाएगी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अगर अपन फ्रीक्वेंसी मूल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/4 कर दें तो उसकी धारा कितनी होती है? 1/4 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। यदि ए इक्वल प्लेट का क्षेत्रफल, डी इक्वल प्लेट के बीच की दूरी और ई इक्वल पराविद्युतांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध में सही है? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए और ई के समानुपाती है, ऑप्शन बी ए और डी के प्रतिलोम अनुपाती है, ऑप्शन सी ए और डी के समानुपाती है, ऑप्शन डी ए और ई के प्रतिलोम अनुपाती है। तो बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सी इक्वल क्या होता है? के नोट के एप्साइलन नोट ए अपॉन डी फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर निकल के सही आएगा? ए क्या होता है? ई के समानुपाती होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निवेश और निर्गत प्रतिबाधा अर्थात इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आदर्श वोल्टता प्रवर्धक अर्थात आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या संबंध है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा, ऑप्शन बी लो इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन सी लो इनपुट एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस और ऑप्शन डी हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या संबंध होता है? तो इनमें से कौन सा संबंध इस कंडीशन में सही है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस संदर्भ में कौन सा संबंध सही होगा? हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है, कंडेंसर का मान क्या है? बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक कैपेसिटर 280 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पीयर धारा लेता है तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगी? तो क्या किस किस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे? एक्स सी इक्वल वी सी अपॉन आई सी, ये जो अपना फॉर्मूला है एक्स सी इक्वल वी सी अपॉन आई सी, जिसमें अपने को क्या दिया है? वी सी की वैल्यू 280 डिग्री 280 वोल्टेज दिया है और आई सी की वैल्यू कितनी दी अपने को? 4.44। तो एक्स सी अपन निकाल लेंगे सबसे पहले, तो एक्स सी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। उसके बाद जो एक्स सी का अपना फॉर्मूला होता है उसके अंदर एक्स सी की वैल्यू रख देंगे और ज्ञात किसकी करनी है अपने को? सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बाकी अपने पास सभी वैल्यू है तो उसे सोल्व करेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? सोल्व करने पर राइट आंसर क्या आएगा? 50 हर्ट्ज आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए,
50 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो एक्स इक्वल फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो क्या होता है, 2 पाई एफ सी, जिसमें एक्स सी की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 2 पाई की वैल्यू अपने को पता है, एफ की 50 अटैच है रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 140 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा, बताएं। 140 माइक्रोफेरेड संधारित्र को 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तो धारा का मान ही पूछ रहा है अपने को। तो चलिए फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, एक्स सी इक्वल 1/2πfc, 2πfc अपना ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखें जल्दी से। एक्स सी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स सी की वैल्यू निकालें इससे जल्दी से सोल्व करके, 2π की वैल्यू 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, c की वैल्यू कितनी दी है 140। तो इस एक्स सी को सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा एक्स सी का, इसे सोल्व करने पे कितना आया, 22.75 आ गया, ठीक है, हाँ 22.75 फेरेड आया। इसे सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आएगी, 22.75। और उसके बाद क्या करेंगे, आई इक्वल v/xc, ये जो फॉर्मूला है इसमें v की वैल्यू कितनी है 250, इसमें कितने का भाग देंगे 22.75 का अपन इसमें भाग देंगे तो आंसर निकल के क्या आएगा, 10.98। इसे सोल्व करने पे आंसर निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार अपनी रफ कॉपी में इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप करके ज़रूर देखें, तो जिससे एक बार अगर आपने न्यूमेरिकल को सोल्व अपने हाथों से कर लिया तो उसके बाद गलत होने के कभी चांसेज नहीं रहते। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ में आ गया, समझ गए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ निरूपित करता है, बताएं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में इनमें से कौन सा फेजर डायग्राम सही है, बताएं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट, जिसमें ओनली क्या होता है, प्रतिरोध होता है, अन्य कुछ नहीं होता, तो इस कंडीशन में कौन सा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना टाइम वेस्टेज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूसंपर्कन तार का साइज होता है, बताएं। अर्थिंग वायर का साइज होता है, ऑप्शन नंबर ए जो अपना है फेज तार के बराबर, ऑप्शन बी न्यूट्रल तार के बराबर, ऑप्शन सी फेज तार से अधिक, ऑप्शन डी फेज व न्यूट्रल तार से अधिक। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, अर्थिंग वायर का साइज होना चाहिए कैसा, अपने थ्री पिन सॉकेट जो होती है वो देखी होगी, उसमें जो अर्थ वायर होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, किन से, फेज और न्यूट्रल दोनों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 500 वाट के दो लैंप समांतर में लगाए गए हैं, इनकी कुल वोल्टेज निम्नलिखित के बराबर होगी, बताएं। 500 वाट के दो लैंप अगर अपन पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी कुल वाटेज कितनी होगी, बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो पावर क्या होती है, हमेशा जुड़ती है, तो दोनों दो बल्ब हैं 500 वाट के, तो टोटल पावर कितनी आएगी निकल के, दोनों को दो बल्ब की पावर क्या करेंगे, दोनों बल्बों की पावर अपन जोड़ेंगे तो निकल के कितनी आ गई, 1000 वाट इसकी पावर निकल के आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी
एक से अधिक पथ होते हैं जिन पे धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी बहुत सी युक्तियां होती है, और ऑप्शन डी समान वोल्टताएं होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक सीरीज सर्किट में क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? श्रेणी परिपथ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम में एक ही पथ होता है, आप सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित परिपथ में कुल धारिता क्या होगी? बताएं, एक 8 माइक्रोफेरेड और एक 8 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, तो कुल धारिता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन बी 4 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन सी 2 माइक्रोफेरेड, और ऑप्शन डी 1/4 माइक्रोफेरेड। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल C1 प्लस C2। समांतर क्रम में अपन इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तो C की टोटल वैल्यू निकल के क्या आएगी? 8 + 8 इक्वल क्या होगी? 16। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाली दो लैंपों को जब 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी में जोड़ा जाता है तब इसकी खपत होगी? बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले दो लैंपों को 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब खपत होगी? ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सोल्व करके बताएं। तो आपको V की वैल्यू दी है, P दिया है, तो क्या निकालना है? R निकालना है। तो R इक्वल क्या होगा? V² / P के फॉर्मूले में वैल्यू रखो, दोनों का रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कितना आएगा? दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस निकालने के बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालो और उसमें P = V² / R के फॉर्मूले में वैल्यू रखो, पावर आ जाएगी सोल्व करने पर। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस निकालना है, वाटेज देखो अपने को क्या दिया है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है? R = V² / P जो अपना फॉर्मूला होता है उसमें V की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 230 रखेंगे यहाँ, और P की वैल्यू कितनी दी है? 100 दी है। तो 230 × 230/100 किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? तो अपना जो R की वैल्यू है, अपनी जो R की वैल्यू है वह निकल कर कितनी आएगी? इसे सोल्व करेंगे तो अपनी R इक्वल क्या आ गया? 529 आ गया, एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो दो बल्ब हैं तो दो से गुणा कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस अपना कितना आएगा निकल के? 1058 ओम अपना रेजिस्टेंस निकल के आएगा। उसके बाद क्या करना है अपने को? उसके बाद रेजिस्टेंस अपने पास आ गया तो पावर निकालनी है। पावर पूछिए तो पी इक्वल क्या करेंगे? V² / R। वी की वैल्यू कितनी है? 230 × 230/R की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, कितनी आई थी? 1058। तो 1058 230 × 230/1058 इसे सोल्व करेंगे तो पावर कितनी आएगी निकल के? 50 वाट पावर आएगी निकल के। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद अपने रेफ रजिस्टर में एक बार निकाल के जरूर देखें इन दोनों फॉर्मूले से, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 10 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटरों की रेटिंग 100 वोल्ट 200 वोल्ट और 300 वोल्ट है, यदि इन्हें समांतर में लगाया जाए तब वे निम्नलिखित पर चलने के लिए उपयुक्त होंगे? बताएं, समांतर क्रम में लगाए हैं तीन कैपेसिटर तो सी टी की वैल्यू क्या आएगी तीनों को जोड़ने पर? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का।
10 माइक्रोफेरेड के तीन संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, उनकी रेटिंग 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 300 वोल्ट है। यदि इन्हें समांतर में लगाया जाए तब वे निम्नलिखित पर चलने के लिए उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है समांतर क्रम में तीनों पर इक्वल वोल्टेज जाएगा, ठीक है? तो तीनों कितने के हैं? 10 माइक्रोफेरेड के हैं। तो Q इक्वल CV का जो फॉर्मूला है इसमें C और V की वैल्यू रखो, उसके बाद सोल्व करने पे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपना जो फॉर्मूला है Q इक्वल CV, C की वैल्यू यहाँ कितनी दी आपको? 10 इंटू 10^-6 माइक्रो को अपन सोल्व करके फेरेड में रखेंगे वैल्यू, और उसके बाद Q की वैल्यू कितनी आएगी? Q की वैल्यू निकल के कितनी आएगी अपने पास? 6 × 10^-3 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद क्या करना है? V इक्वल Q/C के फॉर्मूले में रखेंगे अपन। V इक्वल Q/C जो अपना फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू अपन ने सोल्व करके निकाली है और C की वैल्यू अपने को कितनी दी है? C की वैल्यू की तीन कैपेसिटर हैं तो तीनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो 30 × 10^-6 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो निकल के क्या आएगा? 200 वोल्ट इसका राइट आंसर निकल के आएगा। कोई समस्या? चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था, 200 वोल्ट अपन ने सोल्व कर लिया। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक डेल्टा कनेक्शन में होता है, बताएं जो एक डेल्टा कनेक्शन है उसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइन वोल्टेज इक्वल फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी लाइन वोल्टेज इक्वल लाइन करंट, ऑप्शन सी लाइन करंट इक्वल √3 फेज करंट, और ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज इक्वल 0। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो लाइन वोल्टेज इक्वल फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, तो एक नंबर और दो नंबर ऑप्शन तो दोनों सेम से ही दिख रहे हैं। क्या होता है डेल्टा में? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, तो डेल्टा में क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? लाइन वोल्टेज लाइन करंट, ये तो नहीं है कोई रिलेशन। और थर्ड ऑप्शन अपना क्या दिया है? लाइन करंट इक्वल √3 फेज करंट, √3 फेज करंट, ठीक है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? क्वेश्चन ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को। तो डेल्टा में क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो लाइन करंट है और वो फेज करंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है? √3। स्टार में क्या होता है? लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती है। और डेल्टा में क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें चौथा ऑप्शन ऐसा है नहीं जिसमें अपन बोल सकें ए और सी दोनों। तो इस तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है? सही है। चलिए, कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। डेल्टा में क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। लाइन करंट इक्वल √3 फेज करंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है? दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है, बताएं। अगर अपने को फेज वोल्टेज मापना है तो किसके बीच में मापा जाएगा? लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में, ऑप्शन बी लाइन एंड फेज के बीच में, ऑप्शन सी लाइन एंड लाइन के बीच में, और ऑप्शन डी फेज एंड न्यूट्रल के बीच में। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फेज वोल्टेज किसके बीच में मापा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो फेज वोल्टेज को लाइन व न्यूट्रल के बीच में मापा जाता है। और लाइन वोल्टेज जो होता है उसका मापन के लिए अपन क्या करते हैं? लाइन एवं लाइन के बीच में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा? फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज किसके बीच में मापा जाता है? लाइन और न्यूट्रल के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है, बताएं। न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है स्टार कनेक्शन में, ऑप्शन बी डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन सी समांतर कनेक्शन, ऑप्शन डी
किसी भी प्रकार के कनेक्शन से। तो बताएं न्यूट्रल कौन से कनेक्शन से प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो न्यूट्रल किस प्रकार के कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है, स्टार टाइप के जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान शून्य है तब शक्ति गुणांक का मान होगा, बताएं। एक परिपथ में रिएक्टेंस का मान आपको शून्य दिया है तब शक्ति गुणांक का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए जीरो, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, बताएं। एक ऐसी परिपथ में रिएक्टेंस का मान शून्य है तब शक्ति गुणांक क्या होगा, रिएक्टेंस का मान शून्य है तब शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चित्र दर्शाता है कि ऐसी परिणाम, बताएं। ऑप्शन नंबर ए इन फेज में है, ऑप्शन बी आउट ऑफ फेज लीडिंग, ऑप्शन सी आउट ऑफ फेज करंट लैगिंग, ऑप्शन डी आउट ऑफ फेज वोल्टेज लीडिंग, बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपको एक फेजर डायग्राम दिया गया है, तो क्या है इसमें, ये चित्र क्या दिखा रहा है, जो धारा और वोल्टेज है वो किस में दिख रहे हैं अपने को, इन फेज में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ दोनों की वैल्यू जीरो है, यहाँ दोनों की जीरो, यहाँ मैक्सिमम एक साथ हो रहे हैं, यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम एक साथ, यहाँ जीरो एक साथ, तो क्या दिख रहा है ये क्या है, इन फेज है दोनों, वोल्टेज और धारा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका निकल के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, उस धारा का आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पियर है, बताएं। आपको मैक्सिमम वैल्यू दी है 200 एम्पियर और आई आर एम एस पूछा है, तो आई आर एम एस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आई आर एम एस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 0.707 इंटू क्या होता है, आई मैक्सिमम होता है, तो 0.077 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोल्व करने पे आंसर निकल के क्या आएगा, 141.4 एम्पियर। याद रखिए काफ़ी बार ये डाटा पूछा जाता है डिट्टो का डिट्टो काफ़ी एग्जाम्स में, तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 141 एम्पियर। 200 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू और इसके आरएमएस वैल्यू पूछते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार घूम घूम के आते हैं, डाटा यही रहता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 200 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू दी है तो याद करके रखें, आरएमएस वैल्यू 141 आएगी। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है, आरएमएस वैल्यू 141 है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 200 होगी डायरेक्ट, ऐसे ही याद रखिए, ये डाटा चेंज नहीं होते क्योंकि कंपिटिशन्स में आपको टाइम कम दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति है, बताएं। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो शक्ति गुणांक कोस फाई इक्वल क्या होता है, आप सभी को पता है आर बट्टा जेड होता है कोस फाई अपना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निकल के क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कॉस पाई इक्वल क्या होता है, आर बट्टा जेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्ति गुणांक इक्वल क्या होता है, सत्य शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का होगा राइट आंसर। चलिए बिना देरी किए हुए, ट्रू पावर अपॉन आभासी शक्ति, चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है, बताएं। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है, ऑप्शन नंबर ए पश्च, ऑप्शन बी अगर, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी शून्य, बताएं। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक क्या होता है, जो अपना शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, और आरएल सर्किट में शक्ति गुणांक पश्च होता है क्योंकि शुद्ध प्रेरक सर्किट में धारा वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री लेग करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरसी सर्किट होता है, आरसी सर्किट में क्या होगा, अग्रगामी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर
0.5 एम्पेयर की धारा लेता है एवं 0.8 पश्च की शक्ति गुणक रखता है, इस फैन की पावर क्या होगी? बताएं। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है और पावर फैक्टर की वैल्यू दिया है आपको, और क्या पूछा है? पावर पूछा। तो P इक्वल क्या होता है? फॉर्मूले में फटाफट वैल्यू रखें, P इक्वल वी आई कोस फाई। वी आई इक्वल क्या होता है? कोस फाई होती है। V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू 0.5 और कोस फाई की 0.8, तो गुणा करेंगे तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 88 वोल्ट आंसर इसका निकल के आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। V की वैल्यू दी है, आई की दी है, कोस फाई की दी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा निकल के? 88 वाट। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन। एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्टेज आपूर्ति से आबद है, वास्तविक ऊर्जा खपत क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। V की वैल्यू दी है आपको 200 वोल्ट, ठीक है। जो बल्ब है उसकी रेटिंग दी है आपको, बल्ब रेटिंग का जो वोल्टेज है वो दिया है 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब की रेटिंग अपने को दी है। इसको अपन किससे जोड़ रहे हैं? 160 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो R इक्वल क्या करेंगे? बल्ब की रेटिंग वोल्टेज कितना है? 200 × 200/100। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? बल्ब का रेजिस्टेंस क्या आएगा निकल के? बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम, ठीक है। बल्ब की रेटिंग से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया सबसे पहले। इस 400 ओम जो रेजिस्टेंस है इसको अपन किससे जोड़ रहे हैं? इसे अपन जोड़ रहे हैं 160 वोल्टेज की सप्लाई से। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए अब क्या करना है अपने को? पावर निकालनी है। P इक्वल V की वैल्यू अपने कितने वोल्टेज से अपन उसको जोड़ रहे हैं सप्लाई से? तो 160 × 160/ रेजिस्टेंस अपन ने कितना निकाला था? 400। तो इसे सोल्व करेंगे तो निकल के आंसर क्या आएगा? 64 वाट, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 64 वाट ऑप्शन आएगा। तो 64 वाट ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक बार आप अपनी रफ कॉपी में जरूर न्यूमेरिकल सोल्व करके देखें। चलिए कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक वृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले चालक से खालिस्तान होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। बताएं धारा घनत्व का फॉर्मूला जे इक्वल क्या होता है? 1/a होता है। काफी जी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दिए। जे इक्वल 1/a, ए जहां क्या है? एरिया, और जे क्या है? धारा घनत्व है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? कम, इसका राइट आंसर क्या आएगा निकल के? ऑप्शन नंबर बी। वृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व क्रम कम क्रॉस सेक्शन वाले चालक से कम होती है जब एक ही समान धारा बहती है। चलिए तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगा तब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के भारी प्रतिरोध के बराबर हो, खालिस्तान यह किसका कथन है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए नोटन का सिद्धांत, ऑप्शन बी थेवनिन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिकतम शक्ति ट्रांसफर सिद्धांत और ऑप्शन डी नोडल का सिद्धांत। तो क्या बोल रहा है? अधिकतम शक्ति तब खींचेगा तब सर्किट का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का सिद्धांत है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो लो होता है अपना, उसमें क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर, अधिकतम शक्ति ट्रांसफर का ये सिद्धांत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा।
आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रोज़ाना इसी टाइम अपन यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।